मेरे साथ हैं भाजपा सांसद नायब सैनी जी। आज का बजट है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज जो बजट आया है ये नरेंद्र मोदी 2 सरकार का बजट है। इससे हर वर्ग को मजबूती मिली है, चाहे वो मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, हर वर्ग को लाभ मिला है। और ये देश की मजबूती के अंदर ये ऐसा बजट है जिससे हर वर्ग मजबूत होगा, हर व्यक्ति को राहत मिली है और देश मजबूती की तरफ आगे बढ़े। जो इनकी सरकार के अंदर जिस प्रकार का सिस्टम अर्थव्यवस्था का बुरा हाल था, आज अर्थव्यवस्था भी मजबूती से देश के अंदर आगे बढ़ेगी, आम व्यक्ति को राहत मिलेगी, देश मजबूत होगा, ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल। शिक्षा के लिए बहुत बड़ा बजट रखा गया है इस बार। हमारा देश के अंदर जब ज़्यादा शिक्षित होंगे तो इसका लाभ भी मिलेगा, और शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा का स्ट्रक्चर मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है, चाहे हेल्थ को लेकर के, इतना बड़ा हेल्थ के लिए जो देश के लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं और उसका लाभ भी आम जन तक वो मिल रहा है, शिक्षा हेल्थ इससे देश को मजबूती मिलेगी। जी, एक अंतिम सवाल, अभी हमने देखा हाल ही में कुछ बैंक घोटाले आए थे जिसको देखते हुए शायद सरकार ने 1 लाख से लेकर 5 लाख उसकी सीमा कर दी। 1993 का पहली बार बढ़ाया गया है कि अगर आपका 5 लाख रुपए तक बैंक में है तो सुरक्षित है, गारंटी दे रही है सरकार। नहीं, बिल्कुल, वो तो सरकार की जिम्मेवारी है। और दूसरा, क्योंकि जिस प्रकार के पिछले 2014 से पहले देश के अंदर ज़बरदस्त भ्रष्टाचार घोटाले हो रहे थे और उसको लेकर के लोगों का जो अविश्वास बढ़ता जा रहा था नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, चाहे मोदी 1 सरकार थी या मोदी 2 सरकार थी, उसके अंदर देश का विश्वास सरकार के तरफ बढ़ा है और लोग अब विश्वास करने लगे हैं, देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और उसके अंदर जो बैंकों के अंदर जिस प्रकार की राहत दी गई है आम जन को, 5 लाख रुपए तक का जिनको गारंटी और उसको टैक्स के अंदर फ्री हो गया, राहत मिली है, इससे देश आगे बढ़ेगा।